फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिप की रेमेडी, जिससे आपकी लिप जो है वो सर्दियों में फटेंगे भी नहीं और पिंक भी हो जाएंगे। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए लिया है रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, और ये देखिए मैंने लिया है सी सॉल्ट। तो मैंने देखिए सी सॉल्ट लिया है। ये सी सॉल्ट आपको कहीं पे भी स्टोर में मिल जाएगा और बहुत सस्ता होता है। तो आइए मैं इसको सबसे पहले पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें पीस रही हूँ। मैंने पहले से बड़े पत्थर से ये कर लिया था और फिर इसका फाइन पाउडर इसमें हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। तो आइए इसे देख लेते हैं कैसे अब इसे बनाया जाता है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें इस रेमेडी को शीशे के बर्तन ही में स्टोर करना है और हम इसे जितना दिन भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि हमें इसे में शीशे के बर्तन ही में स्टोर करना है। तो मैंने इसमें फालतू कप ले ली है। और गाइस, जितना मैंने आपको सी सॉल्ट दिखाया था उसके लिए मैं क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगी ग्लिसरीन और रोज़ वाटर की। और अगर आप कम बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक चुटकी डालें, मतलब सिर्फ एक ही चुटकी यूज़ होगा। तो आइए बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी नमक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं रोज़ वाटर की क्वांटिटी और ग्लिसरीन की भी ज़्यादा रखूँगी। तो कम से कम हम इसमें 2-3 टेबल स्पून डालेंगे रोज़ वाटर। तो ये हमने डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसमें ग्लिसरीन। तो ये कम कम निकल रहा है, पता नहीं क्यों। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ नमक का ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा डाल दीजिएगा तो आपके लिप्स में जो है वो जलन मचने लगेगी। और ये गाइस, ये रेमेडी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मैंने पहले इसको टेस्ट किया था, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, तो मेरा नमक बिल्कुल पता नहीं चल रहा क्योंकि मेरी क्वांटिटी मतलब ज़्यादा है रोज़ वाटर और ग्लिसरीन की। आपकी क्वांटिटी कम, मतलब आप उस हिसाब से बनाइए कि 1 टेबल स्पून और 1 टेबल ग्लिसरीन में सिर्फ एक चुटकी जाना चाहिए। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे। थोड़ा सा और मिक्स कर देती हूँ मैं। तो मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे वैसलीन के जगह पे यूज़ कर सकते हैं, आप सोने के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। बस आप इसको डिप कीजिए और इस तरह से पूरे लिप पे लगा लीजिए। देखिए गाइस, ये लिप ग्लॉस की तरह दिखने में लगता है। तो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।